अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने जुमान में रखे। दोस्तों एसपीएससी की जाने से यहाँ पर ताज़ा नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। एसपीएससी के जो कंट्रोलर हैं उसके हवाले से यहाँ पर नैब के हवाले से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब जो एसपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं वो परेशान हैं कि जिनके इंटरव्यूज चल रहे हैं और जिनके टेस्ट हैं और जिनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो रही है एसपीएससी के थ्रू, तमाम तर जो परेशान हैं कि इस नोटिफिकेशन की वजह से हमें नुकसान होगा या नहीं होगा और ये नोटिफिकेशन क्या है, इसकी तफसीलात क्या है, ए टू जेड तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोजाना अथेंटिक जॉब्स और नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू कर दें। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन चंद लम्हे पहले एसपीएससी की जानब से यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब मसला यह है कि एसपीएससी की जानब से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं जो एसएसटी के हैं, लेक्चरशिप के हैं, इसके अलावा जो भी इंटरव्यूज चल रहे हैं आपके लेक्चरशिप के या जो भी इंटरव्यू एसपीएससी की जानब से यहाँ पर चल रहे हैं, सीसीई जो भी हैं, वो सारे परेशान हैं कि अब इस नोटिफिकेशन के बाद क्या होगा, हमें जो है वो जॉब्स वगैरह मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये जो है वो नैब की जानब से क्या किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रेस रिलीज एसपीएससी की जानब से यहाँ पर जारी की गई है कि एसपीएससी के जो कंट्रोलर हैं जो हालिया ही पोस्टेड किए गए थे आपके सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानब से, वो जो थे पहले वो आपके असिस्टेंट कमिश्नर जामशोर होते, अब वो तकरीबन 12 साल पहले जो है वो नैब के अंदर वो केस चल रहा था, तो अब नैब ने जो है वो इनको जो है वो इनका नाम है मुमताज़ अली चना, ये अभी जो है वो एसपीएससी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थे और अब जो है वो नैब ने इनको जो है कन्विक्टेड कर दिया, यानी इनको गिरफ्तार वगैरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन ये एसपीएससी का यहाँ पर कहना है कि ये जो है ये एसपीएससी के अंदर अभी तैनात हुए हैं, इस वजह से जो है वो इनको यहाँ पर नैब ने कन्विक्टेड नहीं किया, बल्कि ये जो पहले थे असिस्टेंट कमिश्नर जामशोरो थे आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, ये तकरीबन 12 साल पहले की बात है, तब जो है वो ये केस नैब की जानब से उठाया गया था, तो इस सिलसिले में जो है वो इनको यहाँ पे कन्विक्टेड करार दे दिया है और एसपीएससी की जानब से यहाँ पर कहा गया है कि एसपीएससी का इससे जो है वो कोई लेना देना नहीं है, ये अभी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अपॉइंट हुए थे, लेकिन यहाँ पर ये भी जो है वो जो सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है वो तैनात करता है, एसपीएससी ये तैनात नहीं करती। तो यहाँ पर ये एसपीएससी का जो मौकफ है वो ये है कि एसपीएससी कह रही है कि ये जो अपॉइंट हुए थे तो इसके अंदर कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से जो है हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर यहाँ पर नहीं लागू होती, और ये जो यहाँ पे नैब ने इनको कन्विक्टेड करार दिया यानी गिरफ्तार वगैरह जो केस किया है वो हमारे ऊपर नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर थे तकरीबन 12 साल बताया जा रहा है कि जामशोरों को थे, उसके अंदर करप्शन वगैरह जो भी चीज़ें थी वो जो केस है वो उसकी वजह से जो है वो नैब ने यहाँ पे इनके ऊपर जो है वो अरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे की हैं। तो यहाँ पे इनसे जो है एसपीएससी का कोई ताल्लुक नहीं है, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के हवाले से कोई भी केस यहाँ पर नहीं था, ये जो है वो उनके पुराने केस की वजह से जो किया गया। अब यहाँ पर सारे कैंडिडेट यहाँ पर परेशान हो गए थे कि यहाँ पे जो लेक्चरशिप के जो टेस्ट हो रहे थे, इंटरव्यू यहाँ पे हो रहे हैं और जो आपके एसएससी का रिजल्ट आना बाकी है, इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं एसपीएससी की जो चल रहे हैं, कैंडिडेट्स जो हैं वो जो पास हैं डिक्लेयर किए गए हैं वो जो है वो यहाँ पर परेशानी के लाक हो गई कि यहाँ पर जो है इसकी वजह से जो है वो एसपीएससी सारे जो है वो नैब यहाँ पर बंद कर देगी एसपीएससी को या नहीं करेगी या जो है वो सारे रिकॉर्ड जो है वो एसपीएससी के तलब कर लेगी। तो ऐसे फ़िलहाल कोई भी परेशानी की बात नहीं है, यहाँ पर नैब ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर नैब ने जो है वो ये जो पहले थे मुमताज़ अली चना जो जामशुरा के असिस्टेंट कमिश्नर थे उसी के हवाले से इनको कन्विक्टेड करार दिया है, अरेस्ट वगैरह यहाँ पे किया है, तो एसपीएससी से इनका लेना देना नहीं है, ये हालिया ही तैनात हुए थे, लेकिन एसपीएससी में इनकी गड़बड़ वगैरह कोई भी चीज़ें यहाँ पर सामने नहीं आई है, वो होता तो फिर एसपीएससी भी इसके अंदर कसूरवार होती, लेकिन ये जो थे असिस्टेंट कमिश्नर जब थे इनके जो केस वगैरह थे उसके हवाले से यहाँ पे नैब ने जो है वो इनको कन्विक्टेड करार दिया है और यहाँ जो केस है। बाकी जो एसपीएससी के सारे जो टेस्ट चल रहे हैं, एसएसटी वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं, इंटरव्यू हो रहे हैं, तो उनको कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, तो आप परेशान ना हो, जितने भी कैंडिडेट्स हैं पास हैं जो टेस्ट दे रहे हैं या इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपकी ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट इसकी वजह से नहीं आएगा, बल्कि जो सर्विस जनरल एडमिशन डिपार्टमेंट है वो नया जो है वो कंट्रोलर जो है वो तैनात कर देगी कल एक दो दिन के अंदर,
तो इससे जो है वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो कैंडिडेट्स हैं इसको जो है वो खामा खामे आप जो है वो टेंशन इसकी ना लें, आपके सारे प्रोसेस जो है वो चलते रहेंगे। नैब ने कोई भी जो है रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ें नहीं की, क्योंकि नैब करेगी भी क्यों, क्योंकि इनका जो केस था वो असिस्टेंट कमिश्नर था, तो वहाँ पे वो केस वगैरह SBSC वहाँ पे जो है वो नैब उनका जो रिकॉर्ड वगैरह तलब कर सकती है जामशेरों के अंदर जिनके इनके जो काम थे। लेकिन यहाँ पे कोई भी घबराने की बात नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। जिस तरह से SP काम कर रही है इसी तरह से ये काम करती रहेगी।